चांद भाई मेरी बात सुनो, चांद भाई क्या कर रहे हो यार, अक्कल से काम लो। जा रहा हूँ यहाँ से। अब तुम्हें पता भी है कि हम लोग ऑलरेडी रूमे की वजह से परेशान है, उसने बदतमीजी की है चाची तो से। चाची को क्या जरूरत है उसकी जिंदगी में खामा खा घुसने की? बेटों की शादियां कर दो, उसके बाद ये सोचो कि बेटे और बहुएं सांस भी उनकी मर्जी से ले। लेकिन चांद, हमने तो कभी तुम लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पट्टियां तो पढ़ा रहे ना आप तारा को, तभी तुम अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को नहीं। भाई अब आप बहुत गलत बात कर रहे हो। मैं गलत बात कर रहा हूँ? तुम्हें इन सबके नॉर्मल बिहेवियर नजर नहीं आ रहा? बजाय इसके कि तारा को समझाए, उसे उल्टा शह दे रहा। कौन किसको शह दे रहा बताओ? सची प्लीज, आप इस मामले से दूर ही रहे। आपको वैसी आदत है पर का कब्बा बनाने की। देखिए सफू भाभी कैसे मुंह पे इल्जाम लगा रहा। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि तारा खफा होके गई है मैके। चले अब बता ली, अब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। जान आप प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है। क्या बातें कर रहे हो आप, अभी आप गुस्से में हो, प्लीज अभी आप कुछ भी मत। यार मेरा दिमाग खराब हो गया और इन सब ने मिलके किया है। एक दूसरे से लड़ते रहो, सर फाड़ दो एक दूसरे का, लेकिन रहो एक घर में ही मिलजुल कर। पता नहीं कहाँ की फिलॉसफी है ये। तुम मत रहना, जाओ बना लो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। चांद चांद रुक जाओ, सफो अंदर आओ सब। जाने दो उसको, होश आ जाएगी कुछ दिन। चलो बाबू भैया मगर जाने दो उसको। अंदर चलो। वो नहीं मान रहा तो तुम मान जाओ तारा। यार बात मानने या ना मानने की नहीं है, तो फिर तुम दोनों चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रही हूँ, वो कर रहा है। तुम बहुत बदल गई हो तारा। क्या बदल गई हूँ मैं? यार इतनी एनर्जेटिक फुल ऑफ लाइफ होती थी तुम, शादी के बाद बहुत सीरियस हो गई हो। यार पता नहीं क्यों हम शादी जैसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रिश्ते को इतना बोरिंग बना देते हैं। लाइफ को खुद इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है तारा, उसमें से खुशी के लम्हात हमें खुद निकालने पड़ते हैं। यार तो डॉक्टर तारा ये बेड नंबर 45। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर तारा एक बात पूछूं? जी जी आप भी पूछ लें। कोई गुड न्यूज नहीं आई अभी तक? गुड न्यूज हाँ है ना। अच्छा तभी सब लोग कह रहे थे कि डॉक्टर तारा की तबीयत कुछ अपसेट लग रही है। अब आप उन सबको जाकर ये बता दीजिए कि डॉक्टर राजिया वापस आ रही है कुछ दिनों में, और यही है वो गुड न्यूज। ओह ओह नो, तुम्हारे बाबा की सर्जरी हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेड 4 के पेशेंट से मिलकर आते हैं, रिपोर्ट से उसकी ठीक आई है। मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, चाय तक भी ठीक से पकड़ा सकती मैं। I'm such a failure, sweetie।